हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फन एंड आर्ट्स। तो एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो मैं उसके लिए याली शीट ले लेती हूँ। ये शीट मैंने आधी यूज़ कर ली थी, इतनी शीट से मैं अभी काम करूँगी, ठीक है। तो इस शीट का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, तो इसको यहाँ से कटआउट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से जो भी हमारा थोड़ा सा गंदा जब जैसा पार्ट है तो हम क्या कर लेते हैं, कटआउट कर लेते हैं। तो अब मैंने शीट को काट दिया एक छोटे से, एकदम परफेक्ट कट यहाँ पर आया है। अब हम क्या करते हैं, आप इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर, फिर मैं आपको डेकोरेशन करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी शीट बनाना तो बहुत आसान है, इसमें बस इनमें डेकोरेशन ही मेन है। तो आपका डेकोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो कार्ड है अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं रेड कलर ले रही हूँ यहाँ पर, रेड कलर का ये मैंने ले रखा है। इसको भी मैं ऐसी राउंड शेप में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अभी और थोड़ा इसमें डेकोरेट करेंगे जिससे थोड़ा सा इनहेंस हो। यहाँ पर मैं ये पंख मेरे को जो मिला था इसको मैं लगाना चाहती हूँ, इसको मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया, मोती यहाँ पर हम चिपका देते हैं। तो कुछ ऐसे मैं यहाँ पर इसको डेकोरेट करूंगी। अभी मैंने इनको चिपकाया नहीं अच्छे से, इनको मैं चिपकाती हूँ, ठीक है। चिपका के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। अभी ये ग्लू सूख जाएगा तो पूरा अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर अंदर कोई क्या बोलते हैं वो रख दें, मोती रख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा, मैंने यहाँ पर इनको डेकोरेट ऐसे किया है और यहाँ पर 3 वो लगा दिए ताकि ये थोड़ा सा इनहेंस होके आए लुक। अब मैं इनको चिपका देती हूँ, चिपकाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली सारा चिपका दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा बो चिपका देती हूँ जिससे थोड़ा सा लुक अच्छा लगे इसका, ठीक है। तो एक देखो, हमने एक सिंपल सा था तो इसको हमने थोड़ा सा डेकोरेट करके ऐसा बना लिया है।